चल, व्हाट इज ऑडियो? बायो फर्टिलाइजर के हिसाब से आप देखिए इनमें से कौन सा बायो फर्टिलाइजर और कौन सा नहीं है। यस, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा और फंगाई। हमारे पास एक पूरा टॉपिक है बायो फर्टिलाइजर। आर वी ट्राइंग? एनीबडी ट्राइंग? डू यू एग्री साइनोबैक्टीरिया बायो फर्टिलाइजर होते हैं? बहुत सारे नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। यस, बैक्टीरिया भी बायो फर्टिलाइजर होते हैं बहुत सारे। बराबर है क्लास? यस, डू यू एग्री? ओके, सी प्रोटिस्टा। करेक्ट करेक्ट बोल रहे हो। प्रोटिस्टास दैट इज अमीबा, पैरामशियम, ये सब ज्यादातर बायो फर्टिलाइजर नहीं होते। फंगस भी होता है, हमने अभी अभी माइकोराइजे देखा था। बराबर है? सो आवर आंसर इज प्रोटिस्टा। करेक्ट, अमीबा, पैरामशियम, यूग्लिना, ये नहीं काम। ठीक है। डैश अटैक इंसेक्ट्स एंड आर्थ्रोपॉड्स। दिस इज अबाउट बायो कंट्रोल। विच ऑफ देम विल अटैक इंसेक्ट्स एंड आर्थ्रोपॉड्स, जिसको हम फील्ड में, क्रॉप फील्ड में डाल सकते हैं ताकि इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपॉड्स की डेथ हो जाए और हमारा प्लांट सेफ हो जाए। यस, टेल मी। बैक्टीरियोफेज, माइकोराइजे, एजोस्पाइरिलम एंड बैक्यूलोवायरस। विच इज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल जो इन दोनों को कंट्रोल कर सकता है क्रॉप के फील्ड में? बैक्टीरियोफेज, माइकोराइजे, एजोस्पाइरिलम एंड बैक्यूलोवायरस। यस, नो, नॉट एट ऑल। शुड आई? बैक्यूलो वायरस एक ग्रुप। वेरी करेक्ट। यस नेहा, यू आर राइट। बैक्यूलो वायरस, यस करेक्ट है साक्षी। वो एक ग्रुप ऑफ वायरस है जिसको हम एनपीवी वायरस बोलते हैं। एनपीवी, ये भी याद रख, न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रो वायरस। न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रो वायरस, ये जो वायरसेस का ग्रुप है ये इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपॉड्स को फील्ड में नहीं ग्रो होने देता, उनको अटैक। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके। प्रोटीनेशियस इंफेक्शियस एजेंट्स आर, यस, विच कैन कॉज इंफेक्शन। दे आर सी, किसी ने भेजा है, प्रियॉन्स। प्रियॉन्स ले सकते हैं क्या हम? प्रोटीनेशियस इंफेक्शियस एजेंट, यस। सो बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोन, दे आर ऑर्गेनिज्म। एंड प्रियॉन्स मे नॉट बी ऑर्गेनिज्म, दे मे बी जस्ट प्रोटीन्स विच कैन कॉज सम प्रॉब्लम और इन्फेक्शन। करेक्ट है, सही है। ओके, माइक्रोब्स आर फाउंड इवन एट टेम्परेचर एज हाई एज 100 डिग्री, कोर ऑफ अर्थ एट टेम्परेचर -196 ऑन लूनार सरफेस। यस क्लास, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन। 1 मिनट, वैसा ऑप्शन दिया नहीं ना। माइक्रोब्स आर फाउंड एट टेम्परेचर एज हाई एज 100 इज राइट, एट कोर ऑफ अर्थ
ऑल कैसे कोर ऑफ अर्थ में माइक्रोब कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा, मिलेगा अर्थ के सेंटर में? नहीं, टेम्परेचर -196 पे माइक्रोब नहीं होते, और मून पे माइक्रोब नहीं है ना, तो वेयर आर दे फाउंड? व्हाट इज द आंसर, टेल मी नाउ। ऑप्शन ए। या आई बात समझ में? आई बात समझ में? बाकी तीनों जगह पे वो नहीं मिलते, कोर ऑफ अर्थ या अर्थ अगर हम अंदर जाते गए और यहाँ पहुंच गए सेंटर पे, तो वहां पे नहीं है। -196 पे अगर आपको याद है बहुत सारी चीजों को प्रिजर्व करते हैं, वहां पे भी नहीं, ठीक है? और मून पे तो नहीं है फिलहाल, तो नहीं, ठीक है? ओके, टोबैको मोजैक वायरस इज डैश शेप, टोबैको मोजैक वायरस। TMV TMV का शेप कैसा है? वेरी फेमस वायरस, बहुत जगह पे आता है वो। ए रॉड शेप, वेरी करेक्ट। टोबैको मोजैक वायरसेस और रॉड शेप वायरस, वेरी करेक्ट। ओके, यस राइट। डैश इज बेकर्स ईस्ट, बेकर्स ईस्ट। ऑप्शन सी सैक्रोमाइसिस सेरेविसियस, दिस इज साइंटिफिक नेम ऑफ ईस्ट, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। साइंटिफिक नेम ऑफ ईस्ट इज बेकर्स ईस्ट, फाइन, सही बोल भेज रहे हो आप। इन कर्ड फॉर्मेशन विटामिन डैश इंक्रीजेस इन मिल्क, B12, कैन वी गो फॉर B12? यस, वी नो जब भी कर्ड बनता है तो विटामिन सी तो होता ही है, क्योंकि वो सार होता है, खट्टा होता ही है ना दही, लेकिन विटामिन B12 की क्वांटिटी काफी बढ़ जाती। यस, वेरी करेक्ट, फाइन, ओके। डैश इज नॉन फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट, चेक द फूड प्रोडक्ट्स, टॉडी, चीज, पुडिंग। यस, पुडिंग के लिए हमको फर्मेंटेशन की जरूरत नहीं होती, वो डायरेक्टली बनता है, करेक्ट। लेकिन ब्रेड, चीज और टॉडी के लिए आपको फर्मेंटेशन की जरूरत पड़ती है, सही आंसर। ओके, चीज विद लार्ज होल्स इज विद चीज, स्विस चीज, स्विस चीज, वेरी करेक्ट। Swiss cheese is the general cheese which we often see, and it shows very big big gaps na in between, aise bade bade large holes dikhte hain, zyada tar cartoons mein hum Swiss cheese ko dekhte hain, okay, yes. Ladybird is used in pest control of, ladybird is a insect, aphids and mosquitoes, yes, yes. To class isme dekhiye ladybird khud insect hai, और एफिड्स और मॉस्किटोज भी इंसेक्ट, फिर भी वो उनको कंट्रोल कर सकता है, ठीक है? सो लेडी बर्ड बहुत फेमस होता है, इफ यू रिमेम्बर, तो लेडी बर्ड ऐसा होता है, रेड कलर का होता है, यस, वेरी फेमस, क्योंकि बुक में भी वो दिया हुआ है कि लेडी बर्ड इज रेड कलर्ड विद ब्लैक डॉट्स, है ना, ऐसे डॉट्स होते हैं वो बॉडी पे, ऐसा इंसेक्ट होता है, ठीक है, यस, ओके। बीटी स्टैंड्स फॉर, बोर्ड में आ चुका है, बेसिलस थिरिंजिनेसिस, करेक्ट, बीटी द नेम ऑफ द बैक्टीरिया, वेरी करेक्ट, बेसिलस थिरिंजिनेसिस, वेरी करेक्ट, सही है। इन ऑर्गेनिक फार्मिंग पेस्ट आर, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम पेस्ट को क्या करते हैं? Kept at manageable level. Kept at manageable level. Okay, one marking is here. Yes, class. सही है, what do you agree to? Others? ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपको पता है कि बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड केमिकल्स आप यूज नहीं करते, तो क्या करते हैं आप? पेस्ट को इराडिकेट करते हैं, केमिकली किल्ड करते हैं, टॉक्सिकेट करते हैं, नहीं करते ना ये सब? सो व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू देयर? यस,
या दे आर केप्ट एट मैनेजेबल लेवल, मतलब वी आर नॉट एनिमी ऑफ पेस्ट. आंसर बी इज करेक्ट. व्हाट वी डू, वी ट्राई टू कीप इट एट मैनेजेबल लेवल. ठीक है, ओके, वन मिनट. वी गो टू द नेक्स्ट वन. Fine. Next, biogas production technique in India is by. Option India mein biogas, B, both A and B. Both A and B. What is A? I A R I N K V I C. What is I A R I? What is I A R I? Agro research. K V I C kya hai? इसीने बहुत ए एंड बी बोला है ना, तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन. यस, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एंड इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट. ठीक है, तो वहां पे ये दोनों का जो मॉडल है, ओके, वो जो मॉडल और टेक्निक है वो ये दोनों ने कंबाइन करके बनाई है. ठीक है, उनका कंबाइन मॉडल. व्हाट इज जी ए सी? व्हाट इज जी ए सी? वो अप्रूव करती है प्रोडक्ट्स को. ठीक है, वो हमको बायोटेक में आने वाला है. ओके, वेरी फाइन. मतलब तीनों वर्ड टेक्चुअल है. ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए. एनपीवी आर गुड एज दे आर. एनपीवी, अभी अभी हमने एनपीवी के बारे में बोला, सो दे आर गुड बिकॉज वाई आर दे गुड एज अ पेस्टिसाइड स्पीशीज स्पेसिफिक. ऑल ऑफ दिस, वन मिनट, लेट मी रीड. नैरो स्पेक्ट्रम, नो इम्पैक्ट ऑन नॉन टारगेट इंसेक्ट्स. कैन वी गो फॉर ऑल ऑफ दिस? एनपीवी, न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस, ये क्या करते हैं? वेरी स्पेसिफिक, या जो टिपिकल चीज होती है उसी को किल करते हैं. ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं होता कि 10 चीजों पे इफेक्ट नहीं होता उनका. ठीक है, और नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म को वो किल नहीं करते. वो नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करते. ठीक है क्लास? यस, ऑल ऑफ दीज विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस. वी कैन गो देयर. ओके, वी मूव अहेड. During curd formation, milk proteins are. What happens to milk proteins during curd formation? You know, milk has protein, partially correct? Digested. Partially digested is one option. Should we go for that? Partially digested. Yes, class. जब curd बनता है तो milk protein को bacteria क्या करता? डबल. ओके, विल द बैक्टीरिया डबल इट और विल इट पार्शियली डाइजेस्ट? यस क्लास, देखो जो कर्ड होता है वो मिल्क से इजी होता है डाइजेस्ट करने में, क्योंकि उसके प्रोटीन आधे डाइजेस्ट हो चुके, पार्शियली डाइजेस्टेड. ठीक है, डबल नहीं, डबल नहीं हो सकता. This cheese is flavored by, yes, option A. Option A, Swiss cheese ka bacteria, Propionibacterium shermani. Yes, ma'am. Yes, yeah. This is the bacteria which helps in giving flavor to the cheese. Very correct. We move ahead. Gash is made by fermentation of sap from palm. Toddy. Toddy, can we go for toddy? Yes. Toddy is a traditional drink, correct? You know very well. Or South India mein zyada hai, and it is made by fermentation of palm juice. Theek hai. Saccharomyces cerevisiae is baker's yeast. Very correct. Can we make it better? Brewer's yeast and baker's yeast both A and C. Can we go for both? Yes, ma'am. Yeah, ma'am, both.
ANC. Brewers and bakers दोनों आएगा ना? Yes, दोनों का is same ही. Brewing मतलब alcohol बनाना, ठीक है? और baker यानी हम जो baking products में yeast use करते हैं, दोनों एक ही चीज है. Find the odd one. Please look with respect to fermentation. Whiskey, beer, rum, brandy ये fermented products है, तो difference क्या है उसमें? B बोला है किसी ने beer. Okay, why? Why? Tell me why also. अगर beer बोल रहे हो तो what is, why it is odd? Because whiskey, brandy and rum are produced by distillation, but wine and beer are without distillation. That's absolutely. These three are distilled product. यानी ये product बनने के बाद उसको distillation किया जाता है ये तीनों को, और वो बहुत strong होते हैं. मतलब alcohol में strength अलग अलग होती है ना, अलग type के alcohol की. और beer हमारा mild होता है, बहुत dilute होता है, उसको ferment distill नहीं किया जाता. ठीक है, so beer is undistilled. And this one is a distilled product. ठीक है? Beer and wine. Repeat. Somebody said something. Beer and wine, right? हाँ, beer, wine. जो mild alcohols में जाते हैं, उनको distillation नहीं किया जाता है. ठीक है, class? Are we clear with this much? Yes, yes ma'am. और आपको नाम याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार question रहता है इस पे, even board में भी. क्योंकि बहुत इजी में काउंट किया जाता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल नो दैट व्हिस्की इज अ स्ट्रॉन्ग ड्रिंक एंड बियर इज अ माइल्ड वन, वैसा करके क्वेश्चन हो. ठीक है, ओके, वी मूव अहेड. पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड व्हाइल वर्किंग ऑन पेनिसिलिन. ऑप्शन फिर से रिपीट कीजिए बच्चा. डी, स्टेफिलोकोकाई. पेनिसिलिन was discovered while working on D. Yes, staphylococci. We know the scientist who discovered penicillin was working on staphylococci. Yes, very correct. The settled solid after primary treatment is known as, after primary treatment, we are talking about sewage treatment. याद आया ना, सीवेज ट्रीटमेंट, एसटीपी. ठीक है, तो उसमें जो प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो रह जाता है, उस वेस्ट को क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्लज. शुड वी गो फॉर दैट? यस, दैट इज द सेटल्ड सॉलिड व्हिच इज आफ्टर सेडिमेंटेशन फिल्ट्रेशन जो बचता है उसको बोला जाता है प्राइमरी स्लज. और उसके ऊपर जो पानी होता है उसको एफ्लुएंट बोलते हैं. ठीक है, वेरी करेक्ट. डैश इज गलगोटा. क्या हुआ? हाँ, एक्टिवेटेड स्लज वही होगा ना जिसमें बैक्टीरिया, जिसमें हम लोग बैक्टीरिया डाल देंगे. एक्टिवेटेड स्लज वो होता है जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बैक्टीरिया जो बैक्टीरियल फ्लॉक्स और फंगस होते हैं उसमें. यस, उसको एक्टिवेटेड बोल. ठीक है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में वो रेडी हो जाए. ठीक है, डैश इज गलगोटू. आया है ऑलरेडी. सी ऑप्शन डिप्थीरिया. डिप्थीरिया इज नोन एज गलगोटू. काली खांसी. काली खांसी. ओके, काली खांसी गलगोटू. डिसाइड कीजिए, एक में फाइनल कीजिए, कोई दोनों में से है क्या? प्लस काली खांसी इज वूपिंग कफ एंड गलगोटू इज डिप्थीरिया. हाँ, गलगोटू इज डिप्थीरिया मैम, राइट. ठीक है, काली खांसी इज वूपिंग कफ. ठीक है, उसमें खांसी नहीं निकलती, सिर्फ खांसी होती रहती. ठीक है, ओके. नेक्स्ट वन. ओके, यू नीड टू मैच द करेक्ट वन. चेक इट, आप मैच कीजिए और ऑप्शन बताइए मुझे.
बेसिकली कौन क्या बना रहा है मैम? एस्पेरिलीगस निगरिस एसिटिक एसिड, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिसम इज ब्यूट्रिक एसिड, लैक्टिस लैक्टिक एसिड इज एलएबी, एसिटोबैक्टेरिस एसिटिक एसिड. बोलो क्या करूं मैम? एसिटोबैक्टेरिस एसिटिक एसिड, तो ये हटा दो. एस्पर्जिलस निगरिस सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड करेक्ट. ठीक है. हाँ मैम. सो वन का डी है वो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है हमको, ए करेक्ट. देखो हमको ऑप्शन सिलेक्ट करना है. ऑप्शन ए. सो आई गो फॉर ऑप्शन ए. ओके यस मैम. फाइन. ऐसा भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में खास प्रॉब्लम नहीं होती लेकिन टाइम बहुत वेस्ट होता है, क्योंकि आपको चारों पढ़ना पड़ता है, चारों को मैच करना पड़ता है. आर यू गेटिंग इट? जब आता है ना आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट राइट स्टेटमेंट, तो वहां पे प्रॉब्लम ये होती है कि चारों स्टेटमेंट्स पढ़ने पड़ते. ठीक है. स्टैटिंस आर प्रोड्यूस्ड बाय मोनस्कस परप्यूरेस, ऑप्शन बी. मोनस्कस परप्यूरे. ओके जस्ट लेट मी सी. यस. Do you others agree for this? Statins. Yes, ma'am. Yes, statins. कहाँ पे काम करते हैं? What is the use of statins? Ma'am, blood cholesterol को low कर. Very correct. They keep the blood cholesterol stable. इसीलिए उनको statin बोलते हैं. Very correct. Okay. Antibiotics in human reference is. Antibiotics in human reference. Is anti and bio, आपको वर्ड पता है, kill life, anti life, retard life, pro life. Anti life, retard life, anti life, retard life. दो ऑप्शन है मेरे पास. क्लास ह्यूमन रेफरेंस में पूछा. ह्यूमन रेफरेंस में प्रो लाइफ. हाँ वो हमारी जान बचाता है ना, इजंट इट? हाँ मैम. वो बैक्टीरिया वगैरह के लिए एंटी है, एंटी लाइफ है. या करेक्ट ना. दूसरे ऑर्गेनिजम्स को वो मारता पर हमारी तो जान बच जाती. ठीक है. या सो इट इज प्रो लाइफ फॉर्म. फाइन. चेन एंड फ्लोरी वेर अवॉर्डेड नोबेल प्राइज. यस. व्हेन? 1945. Yes, after the Second World War ended, they were given Nobel Prize for what? Can you tell me for what? क्यों मिला था नोबेल? Answer right है. 1945 for? Ma'am, first antibiotic Alexander Fleming penicillin discovered किया था, तो Staphylococcus का growth penicillin का notatum सब चेन फ्लोरे एक साथ किए थे इसीलिए. देखो ये 1945 में फ्लेमिंग को भी नोबेल प्राइज मिला था. ठीक है. तीनों को मिला. तो फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया लेकिन उसका यूज इन लोगों ने बताया कि उसको एंटीबायोटिक के तरह थेरापेटिक वैल्यू, उसका थेरापेटिक वैल्यू बताए थे मैम. हाँ थेरापेटिक वैल्यू मतलब उसका यूज, नहीं तो फ्लेमिंग ने तो खाली डिस्कवर करके रख दिया, बात खत्म हो गई. क्योंकि फ्लेमिंग ने तो कितना पहले डिस्कवर किया है ना, लेकिन उसने उसको नहीं पता चला कि हाँ कि हम ये इसको इतने अच्छे से यूज कर सकते हैं. तो प्राइज नोबेल प्राइज तीनों को मिला. ओके. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमने बहुत सारे एंटीबायोटिक्स यूज किए तो हमें पता चला कि अच्छा ये काफी यूजफुल है, और उसका रेफरेंस चेन और फ्लोरी को. दे डिड नॉट डिस्कवर एंटीबायोटिक बट दे डिस्कवर्ड उसका एप्लीकेशन. एंड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड द एंटीबायोटिक बट नॉट द एप्लीकेशन. ठीक है. Is that clear? Okay, ma'am. Yes, ma'am. और नोबेल प्राइज तीनों को एक साथ मिला था. ठीक है. ओके. कुष्ठ रोग इज लेप्रोसी. लेप्रोसी. वेरी करेक्ट. कुष्ठ रोग इज लेप्रोसी. अभी अभी हमने देखा गलगोटू इज डिप्थीरिया, काली खांसी इज वूपिंग कफ. वूपिंग कफ कुष्ठ रोग है ना. तो ऐसे याद रखने क्योंकि वो एक पैराग्राफ में दिया हुआ. डैश इज यूज्ड एज अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट. साइक्लोस्पोरिन ए.
साइक्लोस्पोरिन ए हार्ट ट्रांसप्लांट्स एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के लिए यूज होते हैं. वेरी करेक्ट. ये हम हेल्थ एंड डिजीज में भी पढ़ते हैं और इसमें भी पढ़ते हैं साइक्लोस्पोरिन ए. वेरी करेक्ट. डी आंसर राइट भेज रहे हो आप कि वो ट्रांसप्लांट को रिजेक्ट नहीं होने देता, इसलिए हमको इम्यून सिस्टम को डाउन करना पड़ता है. ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके. बॉटल्ड फ्रूट जूसेस आर मेड विद हेल्प ऑफ बॉटल्ड फ्रूट जूस. अमाइलेज ऑप्शन बी. बहुत सी एन डी भी दिए. ओके, यू वॉन्ट टू टेक बी? बी बोला ना. सो पेक्टिनेज एंड प्रोटीज should we go for that bottled juices, fruit juices? Yes class. Bottled juice ko kya kiya jata hai, wo ekdam fine hota hai na. Agar aap ghar mein fruit juice banate to wo kaisa dikhta hai, usme bahut fiber hota hai. Aur bottled juice ekdam filtered hota hai kyunki pectinase aur protease sare fibers ko easily break kar dete. Yes correct hai. तो वो फाइन बनता है ना, मतलब वो ऐसे पता चलता है ये बाहर का जूस है और ये घर में बना हुआ जूस है ना, वो डिफरेंस दिखाई देता है. बीओडी इज मेजर ऑफ, व्हाट डू यू मेजर इन बीओडी? ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर. ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर, शुड वी गो फॉर दैट? यस मैम. डिसॉल्वड ऑक्सीजन. Toxic matter present in water, inorganic, anorganic. Okay. Yes, others? Should I go for organic? D. D भेजा है किसी ने. ठीक है, सही है. कितना organic matter पानी में है? A नहीं है. नहीं प्राची, नहीं. प्राची जो आप A भेज रहे हो ना, उसके लिए मैं वर्ड देती हूँ आपको. उसके लिए वर्ड है डीओ, डिसॉल्वड ऑक्सीजन. ठीक है, तो डीओ अलग होता है और बीओडी अलग होता है. ठीक है, बीओडी इज कितना मैटर. और याद रखो ये दोनों चीजें अपोजिट चलती. अगर डिसॉल्वड ऑक्सीजन ज्यादा है तो बीओडी कम होता है, बीओडी ज्यादा होता है तो डीओ कम होता है. याद रखना, दे आर अपोजिट थिंग्स. ओके, डैश इज अ क्लॉट बस्टर. यस, स्ट्रेप्टोकाइनेस इज अ क्लॉट बस्टर. यस, कभी भी अचानक किसी को भी ब्रेन में या हार्ट में क्लॉट है तो इमीडिएटली स्ट्रेप्टोकाइनेस का इंजेक्शन दिया जाता है. यस, इट ब्रेक्स द क्लॉट. डैश लोअर्स ब्लड कोलेस्ट्रॉल. स्टैटिन्स अभी अभी आपने रिप्लाई किया था इसको, करेक्ट? तभी आपने कहा था. यस, स्टैटिन्स. वेरी फाइन. गंगा एक्शन प्लान हैज बीन इनिशिएटेड बाय. आपको पता है गंगा क्लीन करने का एक एक्शन प्लान है ना, गंगा प्यूरिफिकेशन प्रोजेक्ट. नीरी, नेशनल एनवायरमेंट. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, शुड वी गो फॉर दैट? क्या बताता है? अपटेक ऑफ O2 बाय माइक्रोब्स. कितना ऑक्सीजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं वो बताता है हमको. यस मैम. यस, ऑर्गेनिक मैटर या माइक्रो कितना ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं वो हमको पता चलता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. इसीलिए उसको डिमांड बोलते हैं ना, कि कितनी ऑक्सीजन यूज हो रही है. ठीक है, ओके ओके मैम. मीथेनोजेंस आर नॉट प्रेजेंट इन Human helium, that is human intestine. Yes. So that means you are saying they are present in anaerobic sludge. Human and aerobic. बाकी तीनों में present है. ठीक है. Methanogens are methane making bacteria. ठीक है, next one.
बायोगैस कंसिस्ट ऑफ, बायोगैस के मेन इंग्रेडिएंट्स? ऑप्शन बी मीथेन, सीओ टू एंड हाइड्रोजन. एग्रीड अदर्स? यस मैम. या ऑलवेज द मेन कंपोनेंट इज मीथेन, फिर श्योरली थोड़ा बहुत सीओ टू होगा ही, और हाइड्रोजन बहुत नेग्लिजिबल लेवल. करेक्ट. जितना मीथेन ज्यादा होगा उतना बायोगैस बेटर होगा. ठीक है. फर्मेंटेशन प्रोवाइड्स डैश टू चीज, व्हाट इट प्रोवाइड्स? ऑल द बिलो, ऑल अचॉल, टेक्सचर, टेस्ट एंड फ्लेवर. यस, इट इज विच बैक्टीरिया, विच फंगस, वो उसको फ्लेवर देगा, टेक्सचर देगा और टेस्ट भी. सही है. मासेस ऑफ एरोबिक बैक्टीरियाज अलोंग विथ फंगल फिलामेंट्स फॉर्म, वेरी इजी, इंपॉर्टेंट. फ्लॉक्स, फ्लॉक्स. एग्रीड एवरीबडी? मासेस ऑफ बैक्टीरिया अलोंग विथ फंगल फिलामेंट्स, दे फॉर्म फ्लॉक्स विच फ्लोट, ना, विच कीप ऑन फ्लोटिंग. What about B option? B नहीं? No ma'am. ऐसा network जैसा structure बनता है जिसको mesh बोलते हैं, और उसी में bacteria और fungi होते हैं. Textbook में word है वो. Did you read that? Flocks. Masses of bacteria with fungal filament form mesh-like structures. Can we go for C option? Option C B ले and D. So C लूँ ना? मिला आपको वो word? Textbook में लिखा है ये दोनों, ठीक है? Everybody, okay? Yes, ma'am. ठीक है, next वाला. Gash serves as inoculum in aeration tank. इनोक्युलम, जिसको हम एरेशन टैंक में डालते हैं. एक्टिवेटेड स्लज. यस, इनोक्युलम मतलब जो रिएक्शन स्टार्ट करेगा. बिल्कुल, हम एक्टिवेटेड से थोड़ा सा स्लज लेके एरेशन टैंक में डालना पड़ता है ताकि वहां पे रिएक्शन चलता रहे. ठीक है, आर यू गेटिंग इट? बाकी के सबको हम एनारोबिक में डाल देते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा पार्ट निकाल के उसमें डाल देते हैं. ठीक है. Floating debris are removed by, floating debris are removed by, sequential filtration. Agreed? हाँ मैम, sequential filtration. Sequential filtration is, हम उसमें बहुत सारी activity कर रहे हैं, sedimentation, filtration और sequential filtration. ठीक है. Yes. Floating debris. ठीक है. If BOD is high, yes, water is polluted, a good answer. Okay, said also is that भेजा भी वही है. अगर BOD high है तो water खराब है, उसको पी नहीं सकते. Pollution potential high होगा मैम. यस, ज्यादा होगा. जितना बीओडी ऊपर जाता है उतना ऑक्सीजन कम होता है, वाटर में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है, खराब होता है. वेरी करेक्ट. डैश हेल्प्स टू रिमूव ऑयल स्टेन फ्रॉम लॉन्ड्री. लाइपेज. लाइपेज इज अ लिपिड ब्रेकिंग एंजाइम, ऑयल इज अ लिपिड. करेक्ट. तो वो आराम से उसको ब्रेक करके उसका स्टेन निकाल देते हैं. ओके. Okay, again, match the column has come. Easy, I try. Cotton BT, biogas, biogas? Biogas, methanobacterium. Okay. Ethanol is yeast. Penicillium is fungi. Ethanol is yeast. And penicillium is fungi. Yes, very correct. तो option बताइए. B four. Option D. Option D भेजा है मुझे काफी लोगों ने.
one minute. Yes, okay. Very correct. Very correct. आ रहा है ना सबको? Are you everybody is clear? Yeah. ठीक है. Okay. तो ये हमारा microbes हुआ. ठीक है. क्लास माइक्रोब्स में याद रखो आपको बहुत सारे नेम याद रखने हैं. लेकिन लेकिन अगर आप अपने बोर्ड की बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा है और एनसीईआरटी में कम. तो आप एनसीईआरटी पे ज्यादा ध्यान दें. ठीक है क्लास, ऑल ऑफ यू? यस, ओके. सो आई गो टू फूड प्रोडक्शन देन. उसके पहले का एक छोटा सा चैप्टर है एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन. ठीक है, तो वो कर लेते हैं. One minute, I'm coming back to that. Just a minute. That is chapter number 9 in NCERT. अगर आप book में है तो just a minute. Yeah, strategies of enhancement in food production. ठीक है, इसमें we will be talking about crops, we'll be talking about how which crop is grown where, how can we increase the variety, correct, animal food, fine. So let's move ahead. One minute. Coming to it. Fisheries include rearing of ए फिश ओनली. ठीक है, एक ऑप्शन आ गया मेरे पास. ऑल ऑफ दीज भी आया है. यस, फिशरीज इंक्लूड ऑल ऑफ दीज. डी ऑल ऑफ दीज और एक आया है. यस क्लास, फिश तो है ही लेकिन हम सारी शेल फिश भी लेते हैं ना, क्रस्टेशियन मलस्कन सब लेना पड़ता है, प्रॉन क्रैब ये लॉबस्टर सब आ जाए. ठीक है, फाइन. अगर हम बहुत स्पेसिफिकली पिसी कल्चर बोलते हैं तो फिशरी होता है, खाली फिश होता है. ठीक है, नहीं तो अदरवाइज सब लेना पड़ेगा. ठीक है, फॉर डेयरी डैश इज इम्पोर्टेंट. इफ यू आर डूइंग डेयरी फार्मिंग व्हाट इज इम्पोर्टेंट? डेयरी के लिए वेटरनरी डॉक्टर ओनली इफ एनिमल इज डिजीज, High yielding under controlled climate. किसी ने सी डी भेजा है? सी डी दोनों दोनों का ऑप्शन नहीं रहेगा. किसी ने सी भेजा है? सी, ओके. यस क्लास, वी सबसे इंपॉर्टेंट है गुड ब्रीड. गुड ब्रीड, या गुड ब्रीड होना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट. ठीक है, वेटरनरी डॉक्टर इम्पोर्टेंट है, यस, बट फुल टाइम, नॉट जब एनिमल बीमार है, उसके पहले भी हमको चाहिए. ठीक है, हाई यील्डिंग अंडर कंट्रोल्ड, नहीं नॉर्मल कंडीशन में भी वो हाई यील्डिंग होना चाहिए ना. कंट्रोल्ड में तो बहुत सारा हो सकता है. ठीक है, क्योंकि हम क्लाइमेटिक कंडीशन को एक्चुअली कंट्रोल नहीं कर सकते, और डिजीज का रेजिस्टेंट हाई होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे ये वर्ड रॉन्ग जा रहा था, यहाँ पे कंट्रोल रॉन्ग जा रहा था, और यहाँ पे ओनली रॉन्ग जा रहा था. बराबर है, तो ये हमारा आंसर. ठीक है, ओके, फाइन. मेटिंग ऑफ इंडिविजुअल्स क्लोजली रिलेटेड ऑफ सेम ब्रीड इज नोन एज इनब्रीडिंग. इनब्रीडिंग, व्हेन यू आर इन द सेम ब्रीड एंड क्लोजली रिलेटेड देन वी कॉल एज इनब्रीडिंग. वेरी करेक्ट, इनब्रीडिंग. A superior female in case of cattle's. Superior female किसको बोलते हैं? जो ज्यादा काफ, ज्यादा मिल्क, ज्यादा वेट, ज्यादा ओव्यूलेशन. डी डाला है मोर ओव्यूलेशन, किसी ने अभी भी कहा मोर मिल्क. यस, व्हाट इज द सुपीरियर फीमेल? ज्यादा मिल्क मिलेगा वो अच्छा वो फीमेल है कि जो ज्यादा एग प्रोड्यूस करेगी, या ज्यादा बेबीज काफ प्रोड्यूस करेगी, या जिसका वेट.
दिस क्लास. हमारा इंटरेस्ट केटल में किसमें? मिल्क में, करेक्ट ना? इज इट इट? तो जो ज्यादा मिल्क देगा वो सुपीरियर है, बस सबसे इंपॉर्टेंट, जो ज्यादा मिल्क देगा. ठीक है, इज दैट क्लियर? फीमेल का मीनिंग क्लियर हो गया आपको? यस मैम. ठीक है, सुपीरियर मेल कौन है आप वो बताइए. सुपीरियर मेल कौन है? टेस्टोस्टेरोन हाई, ऑक्स, बुल विच गिव सुपीरियर प्रोजेनी, बुल विद मोर बॉडी वेट. किसको बोले? सी, बुल विच गिव्स सुपीरियर प्रोजेनी बोला है किसी ने? यस मैम, सुपीरियर प्रोजेनी. यस, सो देखो ऑक्स तो ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगा. ऑक्स ऑक्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस. ओके, सो उसको बाहर कर दिया हमने. बुल विच गिव्स सुपीरियर प्रोजेनी वो सुपीरियर मेल होगा. ठीक है, ओके. Inbreeding does not help in. Does not help. Superior hybrid generation. See, superior hybrid generation और एक ने भेजा है. Yes, जब भी आप inbreed करेंगे तो पहली बात है हाइब्रिड नहीं बनेगा, क्योंकि आप इनब्रीडिंग कर रहे हो, और सुपीरियर तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा, वही क्वालिटी बनेगा ना बार बार, क्योंकि आप इनब्रीडिंग कर रहे हो, सेल्फ पॉलिनेशन. यस, करेक्ट आंसर. लेट्स मूव अहेड. हिजर्डेल, यू नो इट इज अ वेरी फेमस ब्रीड ऑफ शीप बाय क्रॉसिंग. हाउ डू यू गेट अ हिजर्डेल? कैनरी, ईल्स, मरीनो राम. गिव मी द ऑप्शन. Give me the option. One and two. Option C. Option C. Yes. Yes. Bikaneri ewes and merino rams. Right. Yeah. ठीक है? Yes. That is the option C. Okay. It's a breed of sheep which have been developed by. Where is it developed, class? कहाँ बना है वो? Punjab. पंजाब. ठीक है, कभी कभी ऐसा आ जाएगा हिजर्डेल किधर डेवलप हुआ, तो हम बीकानेर और मरीनो में रह जाएंगे. नहीं, इट इज पंजाब. ठीक है, पंजाब. एमओईटी इज डैश इंप्रूवमेंट प्रोग्राम. क्या इंप्रूव हो रहा है एमओईटी? ओव्यूलेशन ज्यादा हो रहा है. ओके, वन मार्किंग. क्राउड बढ़ रहा है. Health improvement program है, herd improvement program. Yes. Ovulation. एक मिनट. डी भेजा है, herd. Multiple ovulation embryo transfer technique improves the herd. पूरा breed, पूरे group को improve कर सकते हैं उससे. Herd improvement program. या श्योरली इट इज बाय सुपीरियर ओव्यूलेशन, लेकिन उसके लिए खाली हमको एफएसएच चाहिए. अगर मुझे ओव्यूलेशन बढ़ाना है तो मुझे सिर्फ एफएसएच चाहिए, लेकिन मुझे तो ऑर्गेनिज्म भी अच्छा करना है ना, तो उसके लिए इट इज कॉल्ड अ हर्ड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम. हर्ड मतलब पूरा का पूरा पॉपुलेशन. ओके, या एफएसएच इंड्यूसेस, ये हमें आता है, इजी है. एफएसएच से क्या होता? See, superior ovulation, one marking. Others, agree? Hello? Follicular maturation is by LH, right? Follicular maturation is by LH? Oh, follicle hormone kya karega? Wo bhi hai na? Isn't it? Dono nahi aayega? Yeah. या डी ले लेंगे ना, देखो जरा चेक. हाँ, ऑप्शन ए एंड सी दोनों है. फॉलिकुलर मैच्योरेशन एंड सुपर ओव्यूलेशन, इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? दोनों होगा. ठीक है,
ओके फर्टिलाइज एग एट डैश शेल स्टेज आर ट्रांसफर टू सरोगेट मदर 16 to 32 is one marking here. Others? हेलो किसी ने कुछ पूछा क्या 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 होता है सरोगेट मदर सरोगेट क्या होता है ओके सरोगेट मतलब देखो ये एक काउ है काउ वन और ये काउ टू है ठीक है तो मैंने क्या किया ये काउ से एग लिए ठीक है उसको फर्टिलाइज किया स्पर्म से लेकिन इस काउ के यूट्रस में डाल दी तो वो मदर जो बेबी को ग्रो करेगी लेकिन बेबी उसका नहीं है एक्चुअली उसको बोलते हैं सरोगेट आर यू गेटिंग इट अगर हम किसी भी ह्यूमन के भी बॉडी में अगर हम डालते हैं किसी और का एम्ब्रियो तो उसको सरोगेसी बोलते हैं है ना वी नो ना दिस शाहरुख खान वन ऑफ द बेबीज सरोगेट है ना शाहरुख खान का जो थर्ड बेबी है अब्राम वी नो दैट No, ma'am. He's very famous because he's by surrogacy. वो biologically उनका baby है, लेकिन birth किसी और ने दिया, ठीक है? तो जिनको uterus में problem होती है, कभी uterine cancer होता है, या I want a child but I don't want to be busy with pregnancy with so many conditions and changes in my body. तो मैं वो baby को किसी और के uterus में grow कर सकती हूँ, अगर कोई ready है तो it is done by paying for it or for a friend ऐसा सब होता है ठीक है पर यहाँ पे हम एनिमल में कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं हम क्यों कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं cow one which was taken is of superior quality but अगर हम उसे pregnancy के पूरे term के लिए busy कर देंगे तो हाँ. हम और उसे ovaries लेने का चांस very correct हमको superior mother खाली egg के लिए चाहिए उससे हम egg लेते रहते हैं और बेबी में उसको बिजी नहीं कर नहीं तो क्या होगा वो प्रेगनेंसी में चले तो एग नहीं बनेगा फिर और फिर वो लैक्टेशन वगैरह करेगी तो हम उस वेरी करेक्ट हम उसके एग को यूज करके बहुत सारे सुपीरियर काउ बनाएंगे ऐसा तो और उसको ग्रोथ तो कोई भी दूसरी काउ कर देगी ना ऐसा है दैट इज द होल सोल कंसेप्ट ओके एनीवे द आंसर वाज रॉन्ग आंसर क्या आएगा 8 to 32 है ओके It is 8 to 32. ठीक है क्लास 16 to 32 नहीं ठीक है ओके और ये जब क्वेश्चन आता है आपको ध्यान देना है कि ये MOET से पूछ रहे हैं कि ह्यूमन रिप्रो से पूछ रहे हैं वो लोग बहुत क्लियर रहेंगे यहाँ पे अभी हमारा वही चैप्टर चल रहा है इसलिए ठीक है लेकिन वहां पे क्लियर रहेगा क्योंकि जब आप जिफ्ट और गिफ्ट की बात करते हैं उसमें भी आता है ना कौन से स्टेज में ट्रांसफर होता है तो आपको याद रखना वो जिफ्ट गिफ्ट पूछ रहे हैं तो वो ह्यूमन से बात कर रहे हैं करेक्ट अगर वो एनिमल या वो बताएंगे प्रॉपरली एनिमल ब्रीडिंग से पूछ रहे हैं कहाँ से पूछ रहे हैं ठीक है वो एम्बिगस क्वेश्चन नहीं डालें इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू यस मैम या उसमें ऐसे रहते हैं ना यस करेक्ट फाइन चलिए फॉर गुड डेयरी डैश इज नॉट इम्पोर्टेंट Not important. Exotic species जरूरी नहीं है Exotic मतलब foreign species. तो अगर आपको अच्छी डेयरी चाहिए तो foreign species होना जरूरी है क्या नहीं ना बाकी चीजें जरूरी है ना Foreign breed नहीं भी होगी चलेगा That's not a compulsion. ठीक है Yeah. क्योंकि बल्कि फॉरेन ब्रीड्स बहुत बार सरवाइव नहीं कर पाते हैं यहाँ उनका प्रोडक्शन भी लो हो जाता है वेरी करेक्ट वी हैव वेरी डैश एज फार एज लाइफ स्टॉक इज कंसर्न वी मतलब इंडिया बोलो हमारे पास लाइफ स्टॉक बहुत सारे हैं करेक्ट लो प्रोडक्टिविटी पर यूनिट बिकॉज़ लाइफ स्टॉक बहुत ज्यादा है बट उनकी प्रोडक्टिविटी कम है उनकी प्रोडक्टिविटी खाली 25% है हमारे पास हाँ मैम और 25 जबकि नंबर में वो हमारे पास ऑलमोस्ट 70% है इंडिया और चाइना में ठीक है सो दे हैव लो प्रोडक्टिविटी कंपेयर टू देयर नंबर मतलब इन स्पाइट ऑफ हैविंग सो मेनी काउ शीप
कैमल गोट, हमारा मिल्क प्रोडक्शन का जो कंटेंट है वो बहुत कम है, ठीक है, ओके। पोल्ट्री या लो प्रोडक्टिविटी पर यूनिट, पोल्ट्री इज डोमेस्टिकेशन ऑफ, Egg-laying animals, तो हम पोल्ट्री मीट के लिए नहीं रखते क्या, मीट नहीं लेते हम पोल्ट्री से, चिकन वगैरह मीट, मतलब पोल्ट्री में क्या मैं फ्रॉग भी रख सकती हूँ, egg-laying, स्नेक भी रख सकती हूँ, तो फाउल होगा, फाउल, yes, it is birds ना, so फाउल मतलब birds. So it is domestication of birds for whatever, for egg, for meat, whatever you want to do for it. Is that clear? बात समझ में आई ना? ठीक है? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Mule is board में आ चुका है ये question. Intraspecific hybrid. Yes, it is an intraspecific hybrid, which is produced by hybridization between two different species, na? Horse and donkey. हॉर्स एंड डोंकी का हाइब्रिड है, वेरी करेक्ट, ठीक है। हाई क्वालिटी मीट कैसा होता है? मोर बल्क मीट, लेस लिपिड, बल्क मीट लेस लिपिड इज ऑप्शन सी, यस, क्लास, अदर्स एग्री, बल्क मीट विद Yes, ma'am. Yes, class. It is lean meat with less lipid. No, you are always supposed to eat lean meat, bulk meat नहीं. Lean meat होता है हमेशा अच्छी quality का. Okay, bulk meat में बहुत बार क्या होता है? बड़े-बड़े organisms को आप kill करके bulk meat ले लेते. Okay? लेकिन जो क्वालिटी की बात होती है, जो अच्छे से कुक होगा, जिसमें ज्यादा प्रोटीन है, वो लीन मीट होगा, बल्क मीट नहीं होगा। इज दैट क्लियर? यस मैम। फाइन, लीन मीट एंड लिपिड तो लेस ही चाहिए, ठीक है, तभी उसको हाई क्वालिटी मीट बोला जाए, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इनब्रीडिंग इंक्रीजेस, इनब्रीडिंग से क्या बढ़ता है? होमोजाइगोसिटी, वेरी करेक्ट, भेजा डी ऑप्शन, बोला भी सही है, होमोजाइगस मतलब प्योर लाइन बढ़ा सकते हो आप, प्योर कंडीशंस को ज्यादा रख सकते, होमोजाइगोसिटी करेक्ट है। इंडिया एंड चाइना हैज, अभी अभी बोला था, कितना है पॉपुलेशन? 75% है, एग्जैक्ट देखो बुक में कितना लिखा है, 70%, ओके, 70% ऑफ द लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन, ठीक है। फाइंड ऑड वन, फर्स्ट वन रोहू है, रोहा नहीं, रोहू, रोहू, हिल्सा, कटला एंड कार्प, हिल्सा, हिल्सा बोला है किसी ने, वो रीजन भी बताएंगे प्लीज, व्हाई हिल्सा, मैरीन फिश है मैम, रोहू, कटला, कार्प, फ्रेश वॉटर फिशेस, या दीज आर फ्रेश वॉटर फिशेस एंड हिल्सा एलिसा, दैट इज हिल्सा इज अ सॉल्ट वाटर फिश, वेरी मरीन फिश, और रोहू, कटला, मृगल, कार्प, ये सब फ्रेश वॉटर, ठीक है। प्लांट ब्रीडिंग डेट्स बैक टू, कितना साल पुराना है प्लांट ब्रीडिंग, कब से चल रहा है? यस, डी, डी भेजा है 9000 टू 11000 इयर्स अगो, हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चर ओरिजिनेटेड दीज मेनी इयर्स अगो, वन मोर डी ईयर, एग्रीड विद दिस? हाँ मैम, 9000 टू 11000 इयर्स अगो, yes that is right, 9000 to 11000 years ago, very correct, sahi hai,
ओके हम अपने बुक को फॉलो कर रहे हैं, वैसे एक बहुत बार 10,000 भी लिखा होता है लेकिन वी विल फॉलो द बुक. जर्म प्लाज्म कलेक्शन ऑफ अ क्रॉप इज हैविंग. जर्म प्लाज्म कलेक्शन एक इम्पोर्टेंट स्टेप होता है, उसमें क्या होता है? जर्म प्लाज्म कलेक्शन में हम कौन से एलील्स ले रहे हैं? Recessive, dominance, adverse, diverse. So we are trying to take all the possible variety, na? So it is all the diverse allele. Very correct. Yes. Very correct. Sahi. Okay. Newly selected lines are evaluated for. Newly selected lines for all the below. Yes. Yield, agronomic, disease resistant. All the below. All the below. Agreed, all of you? All the below ले ले हम. हाँ मैम. Newly selected lines मतलब जो new बन जाता है plant, उसको हम check करते हैं कि उसका yield कैसा है, उसका agronomic चीजें कैसी है, disease resistant कैसा है. Correct. All the below. ठीक है. Yes. Dash is high-yielding variety of wheat grown in Green Revolution. Very simple. Green Revolution ka wheat ka naam bolna. C option aaya idhar. Sonalika. Agree? Yes. It is Sonalika and Kalyan Sona. Two varieties of... Yes. Sonalika aur Kalyan... Isme Kalyan Sona word nahi hai. Sonalika is the variety of wheat. Yes. Okay. Bee pollinated crops are crops pollinated by bee, honey bee. Brassica and pear. एक मिनट. Brassica and pear मतलब A बोल रहे हैं आप? Yes ma'am. Okay, A मैंने mark किया. Others? Yes. डी. हाँ मैम, ब्रासिका एंड पियर. देखो डी में मेज, मेज विंड पॉलिनेटेड है ना, इधर भी मेज है, नहीं चलेगा. और वीट भी विंड पॉलिनेटेड, तो वेयर कैन वी गो फॉर ब्रासिका एंड पियर? यस. देखो इसमें ब्रासिका भी पॉलिनेटेड है पर वीट नहीं, पेयर है पर वो नहीं है. ठीक है, सो इट इज ब्रासिका एंड पेयर. Bee wax is used in bee polishes. Wax polishes. One option here. Yes. Polishing, because can we go for polishes? Yes, ma'am. Okay, bee wax is used for polishing. Fine. Green Revolution for agriculture and Blue Revolution for water. Agree. Yes, B, ma'am. C, no option. I have B or C. Fishing and water. Yes, Blue Revolution किसके लिए होता है? पानी के लिए होता है कि fish के लिए होता है? Fish के लिए ma'am. Yeah, water के लिए नहीं. It's for fish. Surely, जब भी aquatic word आता है तो हमारे पास water word आ ही जाता है. Correct. Lekin it is mainly to increase the fish. Okay. Or white revolution. White. Milk. White for milk. ठीक है. Fine. Newly developed crop evaluated in comparison. जब नया crop बनता है दो hybrid को करके पूरा process करके, तो उसको किसके compare? All the available crops, one option. Others, do you agree? जो नया crop बनता है. Dominant trait crop.
डोमिनेंट क्रॉप से कंपेयर करते हैं. ओके चेक अदर्स. बी आया है वेट. बेस्ट अवेलेबल लोकल क्रॉप कल्टीवेटर. जो नया क्रॉप है जो भी आपने डेवलप किया उसको हमेशा लोकल क्रॉप से कंपेयर किया जाता है. जो बेस्ट ग्रो हो रहा है उस वक्त उस एरिया में तो उससे वो बेटर है क्या ये देखा जाए. ठीक है देखो किसी दूसरे एरिया से नहीं कंपेयर कर सकते क्योंकि आपको उसको एक सर्टेन जोन में ग्रो. सो बेस्ट अवेलेबल लोकल क्रॉप कल्टी. सपोज आप महाराष्ट्र के लिए क्रॉप लेके आए हैं बनाने के लिए तो आपको महाराष्ट्र के बेस्ट क्रॉप से ही करना पड़ेगा उसको. आप उसको कश्मीर से कंपेयर नहीं कर पाए. ठीक है फाइन. ओके मैम. ओके 33% ऑफ डैशेस फ्रॉम एग्रीकल्चर वेरी इजी. एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है इंडिया के डैश में. करेक्ट जीडीपी ना. करेक्ट मार्किंग भेजी आपने बोला भी सही है. यस व्हाट इज इट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ओके जीडीपी. जीडीपी ऊपर होता है मतलब कंट्री प्रोग्रेस कर रही है नीचे आ रहा है तो प्रॉब्लम हो रही है इकोनॉमिक लॉसेस हो रहे हैं ऐसा होता है ना. करेक्ट हाँ मैम. आजकल न्यूज़पेपर में जीडीपी बहुत रहता है उसको हम गैस डीजल पेट्रोल गोइंग अप भी बोलते हैं आजकल. ये तीनों चीजें ऊपर जा रही है और जीडीपी नीचे जा रहा है ऐसा चल रहा है. फाइंड ऑड वन. ओके इजी है. कार्प मार्कर किया करेक्ट. यस यस हिल्सा. नहीं नहीं कार्प इज फ्रेश वाटर और ये तीनों मरीन है. सही बात ये तीनों मरीन. ठीक है कार्प अभी अभी आपने पहले वाले क्वेश्चन में किया था. ठीक है बी कीपिंग इज नॉट लेबर इंटेंसिव इसमें कम काम लगता है. लेबर इंटेंसिव मतलब उसमें कम वर्कर्स की जरूरत पड़ती है. यस ओके लेबर इंटेंसिव चीजें वो होती है जिसमें बहुत सारा ह्यूमन लेबर लगता है तो बी कीपिंग में ऐसा नहीं. एक अकेला बंदा भी उसको कर सकता है ना कोई 50 लोगों की जरूरत. इट इज नॉट लेबर इंटेंसिव. ठीक है करेक्ट है वो इजी है चीप है फार्मर्स करते हैं. ठीक है वेरी करेक्ट. इनब्रीडिंग इज नेसेसरी फॉर प्योर लाइन. बिल्कुल सही. अगर हमें सबने सही भेजा है बोला भी सही है. प्योर लाइन अगर हमें ब्रीड चाहिए तो फिर हमें इनब्रीडिंग बार बार करनी. ठीक है इनब्रीडिंग लीड्स टू Inbreeding depression. Okay. Inbreeding से बहुत बार जो प्योर लाइन बनती है लेकिन वो लो क्वालिटी हो जाती है. मतलब पेरेंट वन पेरेंट टू और ये जो चाइल्ड है ये इन दोनों से लो क्वालिटी बन जाता है उसको बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन. यस ओके तो अगर हम बार बार इनब्रीडिंग करेंगे तो क्वालिटी खराब हो जाएगी. ठीक है क्लास फाइन एवरीबडी. ओके कीपिंग बी हाइव इन क्रॉप फील्ड इम्प्रूव्स. कीपिंग बी हाइव इन क्रॉप फील्ड इम्प्रूव्स. बोथ ए एंड सी क्रॉप फील्ड एंड हनी हील्ड. जस्ट अ मिनट क्लास वन सेकेंड.
sorry class, extremely sorry to keep you waiting. Keeping beehive in crop field improves both ANC apne bheja hai. Crop yield and honey, yes, very correct. It improves both, yes. Crop bhi zyada hoga pollination ki wajah se aur honey to banega. ठीक है. Environment stress excludes. Environment stress excludes what? क्या environmental stress नहीं है? बाकी तीनों एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है और ये हमारी क्वालिटी अगर हम पेस्ट को रेजिस्ट करते. यस दैट इज नॉट अ स्ट्रेस. वेरी करेक्ट. बाकी तीनों एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से है जो क्रॉप्स को फेल करना फेस करना पड़ता. डैश परसेंट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर. 62. वेरी करेक्ट. जब जीडीपी 33 है तो फिर बहुत सारा पॉपुलेशन होगा ना. वेरी गुड. 62%. डैश इज रेजिस्टेंट टू एफिड्स. एफिड्स आर इंसेक्ट. अभी अभी हमने माइक्रोब में पढ़ा था. तो हु विच क्रॉप इज रेजिस्टेंट टू एफिड्स. वी आर टॉकिंग अबाउट रेजिस्टेंट टू सी पूसा गौर. ओके ये एक मार्किंग है. किसी ने कुछ और कहा भी मुझे. कुछ और बोलना चाह रहे हैं क्या? क्योंकि कैन आई गो फॉर पूसा गौरव. यस पूसा गौरव इज रेजिस्टेंट टू एफिड. एक टेबल बना हुआ है आपके बुक में, उसमें दिया हुआ है. मतलब उसको एफिड्स डैमेज नहीं कर सकते. एम आई क्लियर क्लास? यस यस मैम. वेरी करेक्ट. लेट्स मूव अहेड. Resistant to yellow mosaic virus in moong were by. Yes, moong में हमने yellow mosaic virus के लिए resistant D आया है answer मेरे पास. Induced mutation. कैसे लेके आए हम वो? By inducing mutation. Yes ma'am. हाँ ma'am. Induced by mutations. Yeah. मतलब हमने purposely उसमें वो mutation लाया ताकि वो येलो मोजैक वायरस से फाइट कर सके. बराबर है आंसर. वेरी करेक्ट. इनब्रीडिंग डिप्रेशन कैन बी ओवरकम बाय. जब इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है मतलब वो जो दो पेरेंट के बाद चाइल्ड एकदम लो क्वालिटी का आ जाता है तो उसको कैसे ओवरकम कर सकते. इंट्रा ब्रीडिंग और सेक्सुअल सिंगल आउट क्रॉस मेनी आउट क्रॉस. ए इंट्रा ब्रीडिंग इंट्रा ब्रीडिंग मैंने मार्क किया है. सिंगल आउट क्रॉस कहा है. ओके यस दिस साइड विच इज करेक्ट और एनीथिंग एल्स. हम बार बार इनब्रीड कर रहे हैं तो इनब्रीड और इंट्रा सेम है ना. इंट्रा मतलब सेम, इंटर मतलब अलग. ठीक है तो उसके लिए हमको आउट ब्रीडिंग करना पड़ेगा तो उसमें हमको आउट क्रॉस करना पड़ेगा. देखिए मेरे पास दो आउट क्रॉस है तो सिंगल आउट क्रॉस भी काफी होता है. ओके बहुत सारा करने की जरूरत नहीं है. हम एक बार उसको ब्रीड के बाहर क्रॉस करेंगे तो भी आप डिप्रेशन से बाहर आ जाए. सिंगल आउट क्रॉस इज क्वाइट इनफ. ठीक है. ओके क्लास. Root of any breeding program is root. Root of any breeding. Genetic variability. Genetic variability. Okay. Check. Others. कोई भी ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए आप जब हाइब्रिड बनाना चाहते हो तो पहले आपको ब्रीड तो चाहिए ना. यस yes. तो जितना जेनेटिक वेरिएशन ज्यादा होगा उतना हाइब्रिड की क्वालिटी क्वांटिटी हम बेटर कर सकते हैं. वेरी करेक्ट. जेनेटिक वेरिएबिलिटी
is the base, the root of any inbreeding program. Correct? Production of wheat increased from dash during dash. Production of wheat increased from 11 million tons to 75 million tons. Option B. 1960 to 2000 में ये हुआ है. Agreed everybody? Yes ma'am. Yes, production of wheat जब हमने green revolution किया तो उसका production बहुत बड़ा. Correct? हमको ये पता है. तो कितना बड़ा वो production? 11 million tons to 15 million ton, sorry, 75 million tons, 60 to 2000 के बीच में. सही है. मतलब I am going for option B. बराबर है? B है ना? Yes ma'am. Okay, ठीक है. Desirable combination is shown by, जब हम हाइब्रिड बनाते हैं तो जैसा हमको चाहिए ऐसे कितने हाइब्रिड हमको मिल सकते हैं? Only 10% in few hundred to thousand, many in few hundred to thousand, only 1% in few hundred to thousand, only one in few hundred. एक सी ऑप्शन आया है, only 1%. In few hundred to thousand, okay. Others? 10%. इसने D भी भेजा है, only one भी भेजा है, okay. 10% मतलब A भी हो सकता है, okay. चलो final बताइए. What you all feel most? 100 से 1000 अगर आप process करते हैं, तो कितने में change आने का chance है? 1%, 10% कि few hundreds. Yes, class. It is only one. Only one. Huh? Keep that in mind. The successful desirable combination. 100 से 1000 में मुश्किल से एक नए. मुश्किल से एक. इज दैट क्लियर? यस ओके मैम. इज इट ओके? बहुत डिफिकल्ट होता है, मतलब सिर्फ ब्रीड करके हो जाएगा ऐसा होता नहीं. जैसा चाहिए वैसा मुश्किल से एक प्लांट में. ठीक है, ओके, लेट्स मूव अहेड. सेमी डॉर्फ राइस वैरायटी डिराइव फ्रॉम IR8 वे डेवलप्ड एट. किधर डेवलप किया था हमने ये ग्रीन रेवोल्यूशन वाला राइस? ताइवान. Yes, ma'am. Is that fine? Yes, ma'am. Taiwan, 1 minute. Okay, the semi-dwarf rice variety from IR. गलत नहीं जा रहे हम सब लोग? यस बोल रहे हैं. फिलीपींस में IR8. हाँ. इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट इन फिलीपींस. रिसर्च इंस्टीट्यूट. हाँ. ताइवान उसका वैरायटी है. ठीक है, ठीक है. उसको बनाया था हमने ताइवान से. ठीक है, वैरायटी याद रहेगा ना? वो राइस हमने ताइवान के वैरायटी से लिया था, लेकिन बनाया फिलीपींस पे था. इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI. ठीक है, ओके मैम. या पूसा A4 is dash resistant to dash. Pusa A4. B आया है आंसर एक. ओकरा. ओकरा मतलब भिंडी. Resistant to shoot and fruit borer. Pusa A4. Agreed, A class? All of you? टेबल टेबल देखना अगर बुक के साथ में तो टेबल में है ये पूछा. सारे वर्ड्स टेबल में. यस सही है.
पूसा A4 इज ओकरा दैट इज भिंडी एंड वो किससे प्रोटेक्टेड है शूट एंड फ्रूट बोरर मतलब वो भिंडी के अंदर देखो कीड़े चले जाते हैं भिंडी की सब्जी जब काटते हैं बहुत ध्यान से काटनी होती है ना क्योंकि अंदर कभी कभी कीड़ा हो तो फ्रूट बोरर से उसको बचाता है ठीक है ओके मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस चलो बताओ बहुत फेमस स्टेटमेंट है मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस चलो बताओ 250 ग्राम ऑफ माइक्रोब्स गिव 25 टन्स ऑफ प्रोटीन्स करेक्ट है वेरी करेक्ट पाव किलो वो माइक्रोब लेंगे 250 ग्राम तो 25 टन प्रोटीन बना सकता है सेम टाइम पीरियड में जो 250 किलो की काव 200 ग्राम प्रोटीन बनाए है ना ठीक है यस यस मैम और मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस है क्या व्हाट इज इट कौन से भाजी से क्या मिलता है इसका भी एक इज पंपकिन विटामिन सी इज एक को आपने पंपकिन बोला ठीक है मैंने मार्क किया आगे बोलिए प्रोटीन रिच विल बी लबलब बिकॉज़ इट्स अ बीन टाइप थिंग प्रोटीन रिच लबलब बीन्स ओके मार्क किया मैंने विटामिन सी इज बिटर गॉड विटामिन सी बिटर गॉड आयरन एंड कैल्शियम इज बथुआ यस मैम इज दैट फाइन सॉरी विटामिन सी बिटर गॉड बोला आपने सॉरी Agreed, agreed. Everybody's comfortable with this? Yes? Yes, ma'am. तो ऑप्शन क्या आप ऑप्शन बताए मुझे ऑप्शन डी सी टू का डी थ्री का बी यस राइट ऑप्शन डी ठीक है क्लास ओके क्लास ये ऐसे क्वेश्चन में याद रखो आपको एक भी नहीं आया तो थोड़ी तकलीफ हो जाती थी ठीक है मतलब ऐसे देखने में बहुत सिंपल है बट हमें आना सब पड़ेगा मेज हाइब्रिड फॉर बायोफोर्टिफिकेशन इज ड्यू टू मेज हाइब्रिड जो हम बनाते हैं तो उसमें क्या मिलते हैं हमें क्या बेनिफिट लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन यस लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन कितना है वो Twice, double the amount of amino acid lysine and tryptophan. It is double. Yes. ठीक है? हाँ बोलो. Tryptophan is induces the secretion of this melatonin and serotonin, right? Tryptophan is an amino acid which is found in many hormones. One of the amino acid in formation of serotonin and melatonin. Yes, that is correct. चलो मैच करो कौन क्या है पूसा सदाबहार पूसा स्वर्णिम पूसा शुभ्रा पूसा शुभ्रा विल बी कॉलीफ्लावर पूसा सदाबहार इज चिल्ली चिल्ली पूसा स्वर्णिम शुड बी पूसा स्वर्णिम करण राय ओके एंड पूसा कोमल कुड बी काउपी कोमल इज काउपी यस क्लास सदाबहार मिर्ची का नाम है ग्रीन चिली इसलिए उसको सदाबहार बोलते हैं स्वर्णिम इज ब्रासिका करण राय ओके इट इज ब्रासिका बेसिकली राय शुभ्रा इज कॉलीफ्लावर वो व्हाइट होते हैं शुभ्र मतलब व्हाइट ना एंड कोमल इज काउपी ओके वो पल्स तो ऑप्शन क्या लें ऑप्शन सी ठीक है एवरीबॉडी फाइन गेटिंग इट ना
ठीक है मैम. यस. लैक ऑफ एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, कमी लैक. तो क्या रिस्क ऑफ डिजीज, रिड्यूस लाइफ स्पैन, रिड्यूस मेंटल एबिलिटी, ऑल ऑफ दीज. ओके, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, इज दैट फाइन क्लास? ऑल ऑफ दीज के लिए जा सकते हैं हम? यस. विटामिन बी 12 गेट्स रिड्यूस्ड, देन वी कैन हैव मेंटल डिसऑर्डर्स एंड स्टफ. अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कम होते हैं तो क्या होता है हमारा रिस्क ऑफ डिजीज, मेंटल एबिलिटी भी कम होती है और लाइफ स्पैन भी कम होती है. यस भाई, सही बात. ऑल ऑफ दीज. ओके, हिडन हंगर इज डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट. डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट. अदर्स बोलो. बोथ ए एंड बी. ए एंड बी. डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स, मतलब डी ले लू मैं, डी चेक करो. इज दैट फाइन एवरीबडी? यस मैम. सो डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन माइक्रो में नहीं आता, मैक्रो में आता है ना, तो उसको हम बोलते हैं हिडन हंगर. ठीक है, इज दैट फाइन? सो वी गो फॉर डी ऑप्शन. ठीक है. अ वायरली इंफेक्टेड प्लांट कैन बी रिकवर्ड बाय, उसको हम वापस ले सकते हैं क्या किसी तरह? अपाइकल एंड एक्सिलरी मेरिस्टम. वेरी करेक्ट. हमको पता है रूट टिप और शूट टिप पे वायरस ज्यादा नहीं होता, करेक्ट? तो अपाइकल और एक्सिलरी जो मेरिस्टम है उसमें वायरस नहीं होता और हम उससे उसको ग्रो कर सकते. ठीक है, दीज आर फ्री फ्रॉम वायरस. ठीक है. ओके, नेकेड प्रोटोप्लास्ट इज विद, नेकेड जो प्रोटोप्लास्ट होता है, सेल वॉल, डाइजेस्टेड सेल वॉल. ओके, चलिए बताइए नेकेड प्रोटोप्लास्ट में. ओके, आई हैव गॉट टू थ्री पीपल सेइंग बी, ये प्रोटोप्लास्ट है और ये उसका सेल वॉल है. जब हम उसको सेल वॉल को क्या करते हैं, किसी भी तरीके से रिमूव कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ प्रोटोप्लास्ट, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म बचा ना खाली, इज इट इट, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के साथ. यस, यू आर राइट, ऑल ऑफ यू आर राइट. अ कलेक्शन ऑफ प्लांट एंड सीड हैविंग डाइवर्स एलील्स ऑफ ऑल जीन्स ऑफ अ क्रॉप इज कॉल्ड, ये डेफिनेशन. जर्म प्लाज्म. वेरी करेक्ट, इट इज कॉल्ड जर्म प्लाज्म कलेक्शन. बराबर ना, सारे के सारे एलील्स. ठीक है, सही बोल रहे हैं आप. वेरी करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग एनहांसेस और इंड्यूसेस फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, अगर मुझे दो प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करना है, तो पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल एंड सोडियम नाइट्रेट. यस मैम. पीईजी, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल एंड सोडियम नाइट्रेट, एग्रीड है क्लास? यस मैम. हां, पीईजी, यस, दीज आर कॉल्ड फ्यूसोजेनिक एजेंट. फ्यूसोजेनिक, ये फ्यूज करने में मदद करते हैं, पीईजी. ठीक है, फ्यूसोजेनिक एजेंट्स. ठीक है. अ टेक्निक ऑफ माइक्रो प्रोपोगेशन, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, इज दैट फाइन? टेक्निक ऑफ माइक्रो प्रोपोगेशन, शुड बी गो फॉर दैट? सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस. मतलब आप सोमैटिक जर्म सेल को छोड़ के सोमैटिक सेल से एम्ब्रियो बना सकते हो. ठीक है. एन अल्गे, या बराबर, एन अल्गे विच कैन एम्प्लॉयड एज फूड फॉर ह्यूमन बींग इज,
कौन से अल्गे को हम एज अ फूड कंज्यूम करते हैं या कर सकते? पॉलीसाइफोनिया, यस, अदर्स एग्रीड? यस मैम, पॉलीसाइफोनिया. किसी ने बी भेजा, यूरोथ्रिक्स. ओके बोलो. Should I go for polysiphonia or ulothrix? Polysiphonia. What about chlorella? What about chlorella? Single cell protein में chlorella, spirulina आता है ना? बराबर है ना? ये single cell proteins में आता है. ठीक है? बाकी तीनों अलगे है लेकिन नॉट फॉर ह्यूमन. क्लोरेला ह्यूमन बींग्स में आता है जिसको ग्रो करते हैं बहुत क्वांटिटी में एंड इट कैन बी ईटन आल्सो. ठीक है, एम आई क्लियर विद दिस ऑल ऑफ यू? या बट मोस्ट सूटेबल फॉर रेजिंग वायरस फ्री प्लांट. अभी किया मेरिस्टम. Yes, meristem, especially the apical one, है ना? Very correct. Yes, meristem. Okay. Consumption of which one of the following food can prevent the kind of blindness associated with vitamin A deficiency? बहुत easy. किसी ने D भेजा है, golden rice. Yes, very correct. वेरी करेक्ट. विटामिन ए डेफिशिएंसी और गोल्डन राइस बहुत रिलेटेड चीज है. करेक्ट. ओके वी गो अहेड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट? इनब्रीडिंग. इनब्रीडिंग यस क्लास, डू यू एग्री विद दिस? For crop improvement, what is not used? Inbreeding is not used. Inbreeding, mutation, hybridization, introduction. Should I go for inbreeding? Yes, yes ma'am. One second. वन मिनट. ओके वही मुझे लगा आपके रॉन्ग जा रहे. क्लास देखो, इनब्रीडिंग आप यूज नहीं करेंगे क्या अगर आपको प्योर वैरायटी चाहिए तो? हाँ मैम, बट वो प्योर वैरायटी में इम्प्रूवमेंट थोड़ा ना आएगा. नहीं तो जब अगर मुझे प्योर एंड प्योर को क्रॉस करना है तो वी विल गेट 100% प्योर वैरायटी ना. कैन बी यूज इंट्रोडक्शन. खाली प्लांट को कहीं भी इंट्रोड्यूस कर दिया तो वो इम्प्रूव हो जाएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सी, इंट्रोडक्शन इज नॉट अ स्टेप फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट. इनब्रीडिंग मे नॉट बी गुड एवरी टाइम बट इनब्रीडिंग कैन बी यूज, इजंट इट? इट इज ऑफन यूज फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट. Are you getting it? Introduction is not a method of improvement. Are you understanding? आप कहीं से एक प्लांट लेकर आए, उसको आपने एक जगह पे इंट्रोड्यूस कर दिया तो उससे वो इम्प्रूव हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है ना. लेकिन इनब्रीडिंग से एटलीस्ट प्योर वराइटी स्ट्रांग होती जाती है अगर हमें चाहिए तो. अगर हमें चाहिए तो ही ठीक है, नहीं चाहिए तो ठीक है, देन वी मे नॉट गो फॉर इनब्रीडिंग, वी गो फॉर क्रॉस ब्रीडिंग. ठीक है, are we understanding that all of you? ठीक है, yeah. Introduction is not used for crop. ठीक है, yeah. Grains of major cereals and millet lack amino acids.
कौन से अमाइनो एसिड की कमी होती है ज्यादातर ग्रेन्स? मिथ्योनिन एंड सिस्टीन। हमारे जो मेजर सीरियल्स हैं उसमें कौन सी अमाइनो एसिड की ज्यादातर कमी होती है? शुड बी गो फॉर दैट। यस बोलिए। Can we go for A, methionine and cysteine? Major cereal grains में हम उसको फिर ये करते हैं ना, extra करते हैं या double करते हैं। Yes class। अच्छा हाँ, so increase करने के लिए तो but works have been done on lysine and tryptophan। ये ज्यादा हम डबल करते हैं ना, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन है ना, करेक्ट ना, वो ज्यादा हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उस क्योंकि हमारे मेजर सीरियल ग्रेन्स में वो लैकिंग होता है, आपने अभी थोड़ी देर पहले ही आंसर किया था आपको, है ना, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन एग्जिस्टिंग इन द प्रेजेंट प्रीवियस वैरायटी। ठीक है, आइडेंटिफाई इडेबल फ्रेश वॉटर टीलियोस्टी। टीलियोस्टी इज बोनी फिश। फ्रेश वॉटर फिश कटला है सम। यस, कटला इज अ बोनी फिश विच इज एब्सोल्युटली फ्रेश वॉटर। ये तीनों मरीन। ठीक है, ओके। द फिनोमिना ऑफ ऑफस्प्रिंग बीइंग सुपीरियर टू आइदर ऑफ द पेरेंट इज, जब नेक्स्ट जनरेशन का ऑफस्प्रिंग पेरेंट से बेटर होता है उसको क्या बोलते हैं? सुपीरियर, अच्छा होता। इनहेरिटेंस, हेट्रोसिस, पेनिटरेंस, इन्फ्लुएंस। बी हेट्रोसिस, ओके, एक आंसर ये आया। क्लास, जब पेरेंट वन एंड टू से नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग बेटर होता है उसको बोलते हैं हेट्रोसिस, और हाइब्रिड विगर, और एक वर्ड हाइब्रिड विगर, सो याद रखें। हेट्रोसिस मतलब बेटर है वो पेरेंट से ज्यादा अच्छा। ठीक है, फाइव। यस, आंसर इज राइट। In tissue culture, callus can be induced to form shoot or root by altering the ratio of tissue culture. में हम किसका ratio change कर सकते हैं to make shoot or root? See, auxin to gibberellin. जोर से बोलेंगे please. जिबरलिन टू साइटोकाइनिन एक ऑप्शन आया, एक ऑक्सिन जिबरलिन आया है। कैन यू नेम विच इज द रूटिंग हार्मोन? रूटिंग हार्मोन जो रूट बनाता है, और एक जो शूट बनाता है, ऑक्सिन साइटोकाइनिन। इस रेशियो को हम ऊपर नीचे करते हैं। ठीक है, अगर आप ऑक्सिन ज्यादा रखोगे तो रूट बनता है, साइटोकाइनिन ज्यादा रखते हो तो शूट बनता है। प्लीज रिमेम्बर दिस, ओके। इन टिश्यू कल्चर यू कैन कीप द ऑक्सिन साइटोकाइनिन एक्चुअल लाइन है वो, ओके, उनको आप बदल सकते हो तो उससे वो प्लांट रूट या शूट बनाएगी। इज दैट क्लियर क्लास? ये 11th स्टैंडर्ड में है, प्लांट हार्मोन में है, याद है आपको? और जो प्रेजेंट बैच है आपको अभी था ये 12th में, प्लांट हार्मोन्स, याद है कुछ? ओके,
ठीक है. MOET इज मेथड ऑफ, व्हाट इज इट मेथड? Hybridization of cattle. Very correct. It is, you are making the better quality of cattle. बराबर है, ठीक है. Okay, next. Blue revolution is related to fish production. Fish production. Very correct. अभी अभी हमने किया था, ठीक है. Pusa Komal variety of cowpea. वो किसको रेजिस्टेंट है? पूसा कोमल काउपी. बैक्टीरियल ब्लाइट. बैक्टीरियल ब्लाइट, ठीक है. वो बैक्टीरिया से जो फंगस बनता है उसको रेजिस्टेंट है क्लास. वो रेजिस्टेंट वाला एक टेबल है जिसमें वी वाइट रस्ट है, टोबैको मोजैक है, करेक्ट. तो आपको ये याद रखना है वो सब. वो बहुत बार गड़बड़ करता है वो टेबल, ठीक है. Selection of homozygous plant is pure line selection. Okay, I've got one. Everybody agrees with homozygous? Yes, homozygous has to be pure line. Correct? Yes. हमको pure line selection बहुत बार करने पड़े, ठीक है. In tissue culture medium, the embryo is formed from pollen grain. Is due to, अगर आप पोलन ग्रेन से एम्ब्रियो बना रहे तो कैसे बन रहे? सेलुलर टोटिपोटेंसी. वेरी करेक्ट. पूरा का पूरा टिश्यू कल्चर टोटिपोटेंसी पे डिपेंड करता है ना. तो वो आप पोलन ग्रेन यूज करो या रूट यूज करो या शूट, इट इज ऑल ड्यू टू सेल्यूलर टोटिपोटेंसी. ओके. हैप्लॉइड प्लांटलेट्स, हैप्लॉइड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय एम्ब्रियो कल्चर, पोलन कल्चर, कॉटिलिडन कल्चर, मेरिस्टम. कॉटिलिडन एक ऑप्शन है मेरे पास. सी बोलो बोलो, इनमें से कौन सा चीज हैप्लॉइड है? पोलन आया है, हैप्लॉइड कौन है इसमें? पोलन, बस पोलन, खाली पोलन ना. तो उसको डालेंगे तो हैप्लॉइड बनेगा, ठीक है. यहाँ पे याद रखिए प्लीज, पोलन कल्चर इज ऑलवेज हैप्लॉइड. अच्छा, अगर मैं ट्रिप्लॉइड बोलूं तो फिर क्या लेंगे आप? पीएन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. करेक्ट, मतलब आप एंडोस्पर्म लेंगे फिर, ठीक है. एंडोस्पर्म कल्चर, ठीक है. तो आपको पता होना चाहिए हैप्लॉइड किधर है, डिप्लॉइड किधर है ना, वो याद रखने का. Soma clones are obtained by soma clones, somatic clones. Book में है. Tissue culture gives you somatic clones. You can make a Xerox copy. Yes. Soma clones, okay, genetically identical plant. Very correct. ठीक है. Which one of the following pair is incorrectly matched in respect? अच्छा, कौन सा wrong है? मतलब तीन right. आपको फिर से वो table याद रखना पड़ेगा. Cowpea आपने अभी अभी bacterial blight बोला था. Cauliflower का tobacco mosaic virus and leaf curl wrong है. Cauliflower का tobacco TMB और leaf curl wrong है. कॉलीफ्लावर का कर्ली ब्लाइट ब्लैक राउट होना चाहिए. डी इज रॉन्ग, बाकी सब राइट है, ठीक है. दिस इज गोइंग रॉन्ग. टोबैको मोजैक चिली के लिए है, चिली सदाबहार की, ठीक है. इन ब्रीडिंग इज कैरिड आउट इन एनिमल हस्बेंड्री बिकॉज, क्यों करते हैं इनब्रीडिंग? इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी. एब्सोल्युटली, अगर हमें प्योर वैरायटी चाहिए तो हमको करना ही पड़ता है ना, दैट इज होमोजाइगोसिटी. यस, ठीक है, सही आंसर. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन वुड अ शुगर केन फार्मर लुक फॉर इन शुगर केन क्रॉप?
शुगर केन फार्मर को क्या चाहिए, इसमें से बेस्ट क्या रहेगा उसको? शुगर केन का स्टेम उसको थिक चाहिए, अच्छा सब में थिक ही है तो वहां पे ढूंढने की जरूरत। लॉन्ग इंटरनोड चाहिए, हाई शुगर कंटेंट एंड एबिलिटी टू ग्रो इन नॉट, थिक स्टेम, ओके हाई शुगर कंटेंट मैं एग्री कर रही हूँ, तीन में है मतलब ये बाहर हो गया ऑप्शन, डी को छोड़ दू। ठीक है, फ्लावरिंग चाहिए क्या? नहीं चाहिए ना, नहीं तो उसको भी, तो इसको भी छोड़ दो। अब बोलो ये दोनों में क्या चाहिए? लॉन्ग इंटरनोड एंड डिजीज रेसिस्टेंट। लॉन्ग इंटरनोड एंड डिजीज रेसिस्टेंट, शुड बी गो फॉर ए? यस है ना, वो बेस्ट रहेगा ना, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, थिक स्टेम, लॉन्ग इंटरनोड, हाई शुगर एंड नो डिजीज। देखो शॉर्ट इंटरनोड में क्या होगा, अगर हम शॉर्ट इंटरनोड को एग्री करेंगे तो बीच बीच में बार बार इंटरनोड आएंगे, ऐसे ऐसे ऐसा नहीं चाहिए हमको, लंबा लंबा इंटरनोड चाहिए। ठीक है, ओके मैच द आइटम, आप बोलेंगे मैं उधर मार्क करूंगी। पूसा कोमल ऑफ काउपी बैक्टीरियल ब्लाइट, व्हाइट रस्ट एंड कॉलीफ्लावर, ब्लैक रॉट, ब्लैक रॉट लीफ कर्ल, डी को क्या लेना है मुझे? हिल बंट, लीफ, हाँ हिल बंट, फाइन है। हिमगिरी बीट इज फॉर हिल बंट, ओके लेट्स चेक इट, सही गया। कोमल बैक्टीरियल ब्लाइट, स्वर्णिम इज व्हाइट रस, खाली लीफ कल बच्चा था बराबर ना? यस हाँ मैम, ओके ठीक है, चलो मैच करो। जो आता है वो पहले करने का। सोमाक्लोन को बेकम माइक्रो प्रोपगेशन, सोमाक्लोन को माइक्रो प्रोपगेशन, ओके सिंगल सेल प्रोटीन विल बिकम हाई प्रोटीन कंटेंट, अटला 66 इज हाई प्रोटीन कंटेंट। दो लोगों ने मुझे बोला है, आई विल गो फॉर राइट वन, एटलीस्ट 66 इज हाई प्रोटीन, ओके सिंगल सेल प्रोटीन इज स्पिरुलिना, ओके म्यूटेशन एंड या मेज, मेज विल बिकम लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन रिच, दैट इज डबल, उसमें डबल होता है ना, म्यूटेशन ब्रीडिंग इज रेसिस्टेंट टू एल्डो म्यूजिक इन मंग। आ रहा है सबको? बात समझ में आ रही है ना? चेक दिस, समझ में आ रहा है ना? एटलस 66 में बहुत सारा प्रोटीन होता है, ओके और सिंगल सेल प्रोटीन के लिए स्पिरुलिना, ठीक है वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन था, बाकी तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू नीड। ठीक है क्लास, ओके आइडेंटिफाइड दी टू करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब दो रॉन्ग है दो राइट, आप रीड कीजिए आप डिसाइड कीजिए। क्लासेस में बहुत छोटे छोटे, फर्स्ट वन मैं फिलहाल बिना पढ़े मार्क कर रही हूँ, मैं बाद में रीड करूंगी। ठीक है फर्स्ट वन इज रॉन्ग and then aphids cannot invest black seed mustard, wo wrong hai, fourth wala, third one is correct, okay third one is
करेक्ट बोल रहे हो आप, ठीक है ओके. सेकेंड वन इज करेक्ट. हाँ, देन फोर्थ वन इज रॉन्ग. फोर्थ वन रॉन्ग. तो सेकेंड एंड थर्ड इज करेक्ट, ऑप्शन डी. तो एक मिनट, ये ऑप्शन डी सेकेंड एंड थर्ड इज करेक्ट. ओके वन मिनट. कहाँ पे थे हम? जस्ट लेट मी रीड द स्टेटमेंट बिकॉज आई डिड नॉट रीड इट. हमने ये किया था. Aphids cannot resist rapeseed mustard. Cannot infest. एक मिनट, आई हैव अ डाउट. आपने सी बोला ना मुझे? डी 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 ऑप्शन डी. जस्ट चेक फोर्थ ऑप्शन. मतलब मैम ऑप्शन डी बोले थे हम. हाँ ऑप्शन डी बोले थे, यू आर राइट. लेकिन मुझे बताओ, ग्रीन रेवल्यूशन से पल्स यील्ड बढ़ा था क्या? पल्सेस की वीट और राइस. फूड ग्रेन. हाँ, तो वीट और राइस. वीट और राइस के लिए मेनली हुआ ना ग्रीन रेवल्यूशन. उसके बाद हमने पल्सेस अलग से किया वो. डू यू एग्री? यप. तो ये रॉन्ग है ना. और ये देखो आप, उसमें एफिड्स कैन नॉट इन्फेस्ट. एफिड्स का टेबल है ना जिसमें वो रेजिस्टेंट है इंसेक्ट पेस्ट एफिड्स को. आर यू गेटिंग इट? रेपसीड मस्टर्ड ब्रासिका पूसा गौरव इज रेजिस्टेंट टू एफिड. इज दैट क्लियर? आर यू गेटिंग? यस मैम. ऑल ऑफ यू ठीक है? तो डी नहीं, सी ले रही हूं मैं. यस मैम. ठीक है ओके. विच वन इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन? आपने ये आंसर किया था तो आप आएगा. प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के लिए क्या क्या लगता है? आपने किए थे आंसर? है मैम, पॉलीइथीन ग्लाइकोल एंड सोडियम नाइट्रेट यूज होगा. हाँ ठीक है, तो पॉलीइथीन ग्लाइकोल दिख रहा है पीजी. हाँ यस. अदर्स? यस मैम, इलेक्ट्रोफ्यूजन एंड पीजी ट्रीटमेंट. ओके, बट विल बी नॉट यूज दिस? ये नहीं करना पड़ेगा. प्रोटोप्लास्ट पहले बनाना पड़ेगा ना, सेल्यूलोज और पेक्टिनेस डाल के सेल वॉल डिसॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद पीजी डालेंगे आप ना. तो कैन वी गो फॉर बोथ वन एंड टू? या मैम. क्लियर है आपको? देखो पहले हम सेल वॉल को डिसॉल्व कर देंगे तो हमारे पास बचेगा सिर्फ प्रोटोप्लास्ट, फिर उसको फ्यूज करने के लिए आप पीजी डालेंगे. ठीक है फाइन. Okay, fine. So this chapter also gets over. Class, इसमें बहुत सारा एनिमल और प्लांट ब्रीडिंग है, बराबर है? मतलब ये चैप्टर में ना नाम नेम बहुत सारे, बहुत सारे. Okay, so you have to be very particular about it. Now you tell me next what you want to do ahead. I would मतलब in the next lecture. One minute, class. आपका health and disease बाकी है. ओके बायोटेक भी बाकी है. हाँ हेल्थ एंड डिजीज और बायोटेक, तो वो रख ले हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में. हाँ मैम. हाँ चलेगा. यस मैम. लेकिन कब होगा? जल्दी होगा क्योंकि आपका एग्जाम जल्दी आ रहा है ना. तो आई विल जस्ट एक्चुअली मैं बहुत बार टाइम दे रही हूँ पर आप लोग बहुत बिजी चल रहे हो शायद. आई डोंट नो, आई थिंक यू हैव मेनी लेक्चर्स. मैम ये वीक मेरे पास नेक्स्ट वीक में लगेगा. अरे ये वीक में ही लगना चाहिए एक्चुअली. मैं बात करती हूँ एज सून एज I'll put the next lecture, okay? पर आप लोग तैयार है ना? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और बायोटेक पढ़ के रखे,
बायोटेक में दो दो चैप्टर है, एप्लीकेशन भी और प्रिंसिपल भी, ठीक है। और हेल्थ एंड डिजीज एक ही है पर काफी लंबा है, मतलब लंबा चौड़ा चैप्टर, तो वो मैं फिर हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। आई प्लेस द लेक्चर एज सून एज, ठीक है, डोंट वरी अबाउट, ठीक है। ओके क्लास, या फाइन क्लास, सो आई एम स्टॉपिंग हियर, बाय क्लास, टेक केयर, थैंक यू मैम, बाय मैम, थैंक यू।